तो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आप सभी को बताना चाहूँगा एक अच्छी अपडेट निकल के आ रही है SGVNL की तरफ से। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, SGVNL बिहार में अप्रेंटिसशिप की जॉब निकल के आई है, जहाँ पे बीटेक स्टूडेंट, ITI स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट तीनों अप्लीकेबल होंगे। अगर आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए थोड़ा सा भी इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बताएंगे आप सभी को कैसे आप सबको अपना फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना फॉर्म फीस है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट से सुन कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आप सभी को इसी प्रकार ऑल इंडिया रिलेटेड कोई भी टेक्निकल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट है आप तक इन्फॉर्म होती रहता है सारी चीज़ें A to Z। फिर चाहे पेपर एनालिसिस, पेपर आंसर की पे हो, फिर चाहे रिजल्ट पे हो, कुछ भी हो, सारा चीज़ आप तक पहुँचते हैं। इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ काम जो है आप सभी की टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट को पहुँचाना है। तो आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और सारे नोटिफिकेशन से यहाँ से अपडेट रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आप सबके सामने आ चुका है। SGVNL थर्मल लिमिटेड, ये बिहार की रिक्रूटमेंट है, मतलब बिहार के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे यहाँ पे। मतलब ये जो है SGVNL बिहार में स्थित है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्नातक मतलब बीटेक स्टूडेंट के लिए सिविल में 2 पोस्ट, मैकेनिकल में 5 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट, IT कंप्यूटर साइंस का 1 पोस्ट, टोटल अगर देखें तो 10 पोस्ट है, ठीक। एलिजिबिलिटी तो आप समझ चुके होंगे, मतलब जिन जिन ब्रांच से हम वैकेंसी भी जस्ट बताए हैं, इन्हीं इन्हीं ब्रांच से आप सभी का BTEC या BE होना चाहिए, ठीक। और आगे देख सकते हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए सिविल में 2 वैकेंसी, मैकेनिकल में 6 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 8 4 वैकेंसी, IT कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी, टोटल देखें तो 15 वैकेंसी है, ठीक। आगे इसी प्रकार देख सकते हैं आप लोग, ITI स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिशियन में 10 वैकेंसी, वायरमैन में 4 वैकेंसी, फिटर में 9 वैकेंसी, प्लम्बर में 2 वैकेंसी, टोटल है 25 वैकेंसी। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पे तो टोटल 50 पोस्ट निकल के आ रहा है, जिसमें ITI, BTEC और डिप्लोमा तीनों अप्लीकेबल है, ठीक। तो आयु की बात कर लेते हैं, आयु की देखिए 18 से लेकर के 30 वर्ष के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे छूट दिया जाएगा आप सभी को आयु में, जैसे कि अगर आप SC ST स्टूडेंट हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा, अगर अदर्स स्टूडेंट हैं जैसे OBC या फिर जनरल के स्टूडेंट हो तो 3 साल का छूट मिलेगा, बाकी अगर आप हैंडीकैप वगैरह हैं तो 10 साल का छूट अलग से मिलेगा, ठीक। तो सैलरी की चलिए बात कर लेते हैं, तो सैलरी देखिए पर मंथ आपको कितना मिलेगा, अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, डिप्लोमा है तो 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, अगर ITI है तो 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए NATS पे। अगर आप डिप्लोमा भी बीटेक स्टूडेंट हैं तो आपको www.mhrdnats.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहाँ से आप सभी को एक पासवर्ड और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर आप ITI स्टूडेंट हैं तो www.apprenticeship यहाँ पे PINDIA ऑर्गेनाइजेशन पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। उस जो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो आप सभी को एक नंबर पासवर्ड मिलेगा, उस नंबर पासवर्ड का यूज आप यहाँ पे करेंगे। देखिए इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, मेरिट बेस पे आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो खैर अप्रेंटिसशिप की जॉब है, अप्रेंटिसशिप की जॉब मेरिट बेस पे ही लगभग होती है, कहीं कहीं मतलब एग्जाम लेता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चयन का मापदंड क्या होगा, पात्र अभ्यर्थी का चयन मैट्रिक परीक्षा 10वीं ITI पाठ्यक्रम डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नलिखित विषयों के अनुसार बनाई गई मेरिट सूचना के आधार पर किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम नहीं होना है। और यहाँ पे देखिए फॉर्म जो भरने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा ऑफलाइन है, ऑफलाइन सेंस ये है कि लड़के भरते नहीं हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस फॉर्म को बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप, आपको यह PDF डाउनलोड करने का हम लिंक दे देंगे, लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना जो भी चीज़ यहाँ पे मांग रही है, फोटो वगैरह, आवेदन का नाम, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, सारा चीज़ भर के और आपको पोस्ट कर देना होगा इस पे। देखिए ऊपर आप जाएंगे, कहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ऑफलाइन पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक। ये यहाँ पे देखिए बिहार के बक्सर भोजपुर, इस लोकेशन को आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, इसी जगह पे आप सभी को पोस्ट करना होगा। और उसके साथ साथ देखिए आपको कुछ पैसे भी उस पर रखने होंगे अपने पोस्ट में, वो है आप सभी को फॉर्म फीस, यहाँ पे नीचे चल रहे हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि वे अपने रंगीन पासपोर्ट आकार के फ़ोटो के साथ साथ निम्न